सारी शब्दम एंड यू आर वाचिंग ऑल अबाउट दिस टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 3 यूनिट 10 एंड वर्कशीट नंबर 3 ऑफ कैपेसिटी वर्कशीट नंबर 2 तक तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं आज हम वर्कशीट नंबर 3 करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 3 में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो आज हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करने हैं ओके फर्स्ट आई रीड आउट द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक मैं बुक से क्वेश्चन पढ़ करके बोर्ड पर आपको सॉल्व करके बताऊंगी कि कैसे हमें स्टेटमेंट लिखना है कैसे सॉल्व करना है उसको नाउ सी एवरीवन आई होप कि आप सबके पास बुक होगी अवेलेबल अभी इन केस किसी के पास अगर बुक नहीं है तो वो मुझसे कहेगा मैं उसको पीडीएफ का लिंक दे दूंगी आपको पीडीएफ मिल जाएगी बुक की योर फर्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर अमित फिल 3 लीटर 75 मिलीलीटर पेट्रोल इन हिज स्कूटर ऑन मंडे एंड 2 लीटर 200 मिलीलीटर ऑफ पेट्रोल ऑन ट्यूजडे हाउ मच पेट्रोल डिड ही फिल इन हिज स्कूटर ऑल टुगेदर इन 2 डेज इस क्वेश्चन में मिस्टर अमित है और मिस्टर अमित मंडे को कुछ पेट्रोल डलवाते हैं अपनी गाड़ी में स्कूटर में एंड ऑन ट्यूजडे को भी वो कुछ पेट्रोल डलवाते हैं अपने स्कूटर में तो इन 2 दिनों में उन्होंने कितना स्कूटर में पेट्रोल डलवाया हमें बताना अच्छा और इस क्वेश्चन में देखिए एक कीवर्ड है और वो कीवर्ड हमें बताता है कि हमें कौन सा ऑपरेशन करना है तो यहाँ पर कीवर्ड है आपका ऑल टुगेदर और मैंने हमेशा बताया हुआ है कि जब भी वर्ड हो ऑल टुगेदर तो उस ऑल टुगेदर में हमें एडिशन करना होता जो भी वैल्यूज हमें दी हुई है उस वैल्यू को ऐड करना होता और वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें मेनली देखना है कि स्टेटमेंट हम किस तरह से लिखेंगे तो चलिए मैं आपको स्टेटमेंट बताती हूँ कि हम स्टेटमेंट को किस तरह से लिखेंगे ओके आर यू रेडी टू राइट विद मी कम ऑन टेक आउट योर पेंसिल एंड कॉपी एंड स्टार्ट राइटिंग विद मी वर्कशीट 3 नंबर 1 यू विल राइट द क्वेश्चन आई एम नॉट राइटिंग द क्वेश्चन आई एम जस्ट राइटिंग द सॉल्यूशन फॉर यू क्वेश्चन इज देयर इन योर बुक यू कैन राइट क्वांटिटी और अमाउंट ओके अमाउंट ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे पहले तो मंडे के बारे में दिया हुआ Then amount of petrol on Tuesday. What is the amount of petrol on Monday? That is right. ऐसे लीटर और मिलीलीटर हम ऊपर लिख लेते हैं और यहां हम सिर्फ नंबर्स लिखेंगे और ट्यूसडे को है 2 लीटर 200 मिलीलीटर और हमें करना है इसे ऐड और हमारा ऐड करने के बाद क्या आंसर आएगा टोटल अमाउंट ऑफ पेट्रोल टोटल अमाउंट ऑफ पेट्रोल क्या करेंगे हम इसे ऐड करेंगे ऐड करना बहुत ही सिंपल है आप बच्चे खुद भी ऐड कर सकते हो अगर मैं आपको बोर्ड पे ना भी दिखाऊं तो आप इसको ऐड कर सकते हैं इजीली सो दिस इज योर आंसर हमें इसका एक फाइनल स्टेटमेंट भी लिखना है आंसर का तो हम फाइनल स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे मिस्टर अमित आई एम राइटिंग लिटिल बिग सो दैट कि आपको क्लियरली वो दिखाई दे ठीक है ना तो बड़ा बड़ा इसलिए लिख रही हूँ कि आपको अच्छे से दिखाई देगा कहीं आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कि वर्ड को समझने में कि मैम ने क्या लिखा हो इनकेस कुछ आपको डाउट होता भी है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊं तो अपनी हैंडराइटिंग को चेंज करके बनाऊं ओके फाइव लीटर एंड 950 मिलीलीटर ऑफ पेट्रोल इन 2 डेज तो एडिशन करने के बाद ना हमें एडिशन मतलब हमारा अच्छे से हो पाता है हम अच्छे से उसको कर पाते हैं सपोज ये वैल्यू आपने यहाँ लिखी इसको यहाँ लिखी तो फिर ऐड सही से होता नहीं ना अच्छा दिखने के लिए अगर आप बुक में भी देखोगे ना आई शो यू सी दिस पेज नंबर 111 यहाँ पर भी
देखिए आपको कितने सुंदर से लिखा हुआ है, बराबर देखिए ये स्टेटमेंट यही खत्म हो जाता है और ये स्टेटमेंट थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद इक्वल टू का साइन एक साथ दिया हुआ है, सारी वैल्यूज एक साथ लिखी हुई है ताकि ये देखने में अच्छा लगे, प्रेजेंटेशन इसका अच्छा हो। तो जैसे बुक में प्रेजेंटेशन का ध्यान रखा गया, हमें सिखाया गया, बिल्कुल उसी तरह से हमें अपनी कॉपी में भी करना। अगर हम अपनी क्लास में कॉपीज में, अगर हम अपनी नोटबुक में इस तरह से लिखेंगे, ऑब्वियसली हम एग्जाम में भी फिर अच्छे से लिख पाएंगे। सो शैल वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके, दिस वी हैव कंप्लीटेड, नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। स्टेटमेंट को हम लिखेंगे क्वांटिटी
of white paint. Quantity of white paint. फिर हम लिखेंगे quantity of red paint. और white paint कितना हो रहा था? 20 liter 250 milliliter और ये 8 liter 340 milliliter. और जब हम इसे add कर देंगे तो हमें total quantity of पेंट पता चल जाएगा. तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ पेंट. दिस इज अवर टोटल क्वांटिटी ऑफ पेंट. लेट अस ऐड. अब ऐड करके देखते हैं कि क्या आंसर होगा हमारा. अगर हम इसको ऐड कर लें तो हमारा आंसर होगा 28 liter 590 milliliter. फाइनल स्टेटमेंट हम किस तरह से लिखेंगे? Mr. Rao bought 28 liter and 590 milliliter of paint. Sorry, I forgot to write I here. Paint. See, हमारा first statement है quantity of white paint, quantity of red paint, total quantity of paint. फिर फाइनली स्टेटमेंट हम देखते हैं मिस्टर राव बॉट 20 liter 590 milliliter ऑफ पेंट. गॉट इट? दिस इज हाउ वी विल राइट द आंसर्स. सिर्फ हमारा लास्ट वन बचा हुआ है. चलिए लास्ट भी देख लेते हैं. आई होप कि आप लेकिन लिख रहे हो ध्यान से, है ना? सारी चीजें अच्छे से लिख लो. अगर लगता है कि वीडियो कुछ फास्ट आ रहा है तो आप उसको रोक के भी लिख सकते हो. जस्ट स्टॉप द वीडियो, पॉज इट. We are just going to be about 1K. हम लोग 1000 होने वाले हैं. हमारी 1000 की फैमिली हो जाएगी, यानी कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे. और उसके बाद फिर हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे. लाइव क्लासेस में मैं आपको साइंस तो मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन साइंस का हम कुछ रिवीजन करेंगे. और डेफिनेशंस हमने नहीं पढ़ा, हम डेफिनेशंस उसमें पढ़ेंगे और कुछ एक्टिविटीज़ भी करेंगे. और मैथमेटिक्स का चैप्टर हम सारा कंप्लीट करेंगे उसी में. और क्लास 4 के भी फिर मैं ऑनलाइन क्लासेस लूँगी, क्लास 5 का भी लूँगी. ठीक है, लाइव में सारी चीज़ें करेंगे. इसके बाद हम जब हमारा 1K हो जाएगा तो बस और कुछ देर में हो ही जाएगा. सी क्वेश्चन नंबर 4 इज राम हैज अ काउ एंड अ गोट. राम के पास एक काउ है और एक गोट है, और काउ उसे मिल्क देती है 5 लीटर 120 मिलीलीटर. ठीक है, और उसे गोट से भी कुछ मिल्क मिलता है. कितना मिलता है गोट से? गोट से उसे मिलता है 3 लीटर 400 मिलीलीटर. तो टोटली उन्हें दोनों एनिमल से राम को कितना अमाउंट ऑफ मिल्क मिलता है हमें बताना. यहाँ पर भी देखिए आपके पास क्वेश्चन में एक वर्ड है, वो है ऑल टुगेदर. और मैंने बताया हुआ कि जब भी वर्ड ऑल टुगेदर हो तो ऑल टुगेदर में हम उसे ऐड करते हैं. जो भी क्वांटिटी, जो भी वैल्यूज हमें दी हुई है, हम उस वैल्यू को ऐड करते हैं. तो चलिए लिखते हैं. Quantity of cow's milk. Quantity of goat's milk. Cow को कितना मिल्क मिलता है आपको? 5 लीटर एट 120 मिलीलीटर. और गोट से मिलता है 3 लीटर एट 400 मिलीलीटर. तो टोटल कितना मिल रहा है? टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क. We'll get the answer as
8 liter 520 milliliter. तो हम आंसर को क्या लिखेंगे फिर? Ram will get 8 liter 520 milliliter of milk from the animals. Okay. See, this is how we are going to write the answer. और हमारा ये complete हो चुका है. चारों आंसर्स हमने कंप्लीट कर लिया है. अब इसके बाद हम करेंगे ब्रेक टीजर. तो अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. और मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, तो क्लास थ्री का जो मैथ्स का जो एक सेक्शन बना हुआ है ना, प्ले लिस्ट बना हुआ, उसमें अगर आप चेक करेंगे तो आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड एंड यू एंजॉय दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर.